तो बस 3 दिन स्कर्दू में स्टे करने के बाद अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और रवाना होने से पहले मैं बता दूं कि इस होटल में ट्राउट विला में जिस बंदे ने हमारी सबसे ज्यादा खिदमत की ना, ये है अब्दुल सत्तार भाई। बहुत अच्छा बंदा यार, इसने किसी चीज से हमें इनकार नहीं किया है माशाल्लाह से। पूछता हूँ अब्दुल सत्तार भाई, क्या राय आपकी अपने बारे में, हमारे बारे में, होटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, होटल के बारे में क्या रहना चाहिए, कैसा आना चाहिए, बिरयानी तो भाई भाई इस होटल का कराची में सबसे कराची वाले सबसे अच्छा खाना खाया आपको बिरयानी खानों के मामले में। और बिरयानी जो अब्दुल सत्तार साहब के वालिद साहब ने बनाई ना, कमाल की बिरयानी, मतलब क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी। हमें कराची की कभी महसूस नहीं हुई, जो बात है भाई, पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, हमारे लिए कॉफी लेके आए, हर चीज करी है भाई, तो घुमाए इसने। चलो बस ठीक है, ठीक है, ये बॉयज़ हम लोगों का यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रिप खत्म होने वाला है, ठीक है, हमारी आज आखिरी रात है, हम स्कर्दू से पहुंच चुके हैं, क्या नाम है, चिलास में, चिलास में हमारा स्टे है, यहाँ पे डिनर है, उसके बाद सोना है, उसके बाद दोबारा हमने निकल जाना है चिलास से रावलपिंडी की जाने पर, वो भी तकरीबन 11 या 9 घंटे का सफर है, तो वहां से हमारा ट्रिप पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। भाई ये लैंड स्लाइडिंग हो गई है, लैंड स्लाइडिंग जब होती है ना, सारी गाड़ियां वाड़ी इधर रुक जाती हैं और उसके बाद वेट करना पड़ता है, वो वहां से देखो पत्थर गिर रहे हैं ना, अब वो पहले रोड के ऊपर सारे पत्थर गिरेंगे, उसके बाद फिर एक और वो खड़ी हुई है क्रेन, वो हटाएगी, उसके बाद ये रास्ता खुलेगा, मतलब 1 घंटे के लिए यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग अब चालू है फुल टाइम। आगे जाता हूँ आपको सीन्स वीन्स दिखा देते हैं, ये भाई भी यहीं पर हैं, देखें ये सारी आवाम यहाँ पे अभी रुकी हुई है, वो सामने लैंड स्लाइडिंग हो रही है सारी, रोड पूरा पूरा जो है पत्थरों से भर गया होगा, उसके बाद ये 2 गाड़ियाँ क्रेने मरेने खड़ी हैं, वो पत्थर वत्थर हटाती हैं, उसके बाद रास्ता खुलता है। नीचे पानी देखें जनाब, दियामर भाषा डैम जो बन रहा है ना, ये वो वाला रास्ता है चिल्लास। ये भूखे बैठे हैं सारे, ये 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 लैंड स्लाइडिंग का फायदा उठाते हुए यहाँ पे छल्ली खाने बैठ गए हैं सारे। और भाई क्या बना रहे हो? अच्छा लैंड स्लाइडिंग हमेशा यहीं पे ही होता है या जहाँ पे तूने स्टॉप खोला हुआ है? ये कुदरत का निजाम है, अल्लाह ने रिस्क देना होता तो लैंड स्लाइडिंग हो जाता। ये देखें जनाब पूरी लाइन लग गई है पूरी, और इसको देखो बच्चों की तरह लॉलीपॉप खा रहा है ये, तुझे भी दी थी मैंने। मैं वीडियो से पहले खा चुका हूँ, ये व्यूअर्स ये मांग के लॉलीपॉप मान रहा है, एक लॉलीपॉप यार। देख गाड़ी में कोई लीमू या मसाला पड़ा तो अभी ले आ। कौन लीमू लाएगा मसाला? भाई के पास होगा ना, पूछो। नहीं है भाई के पास। हां भाई छल्ली बना रहा है, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। बता ध्यान में यार, मैं जरूर लूंगा जरूर, फिर जरूर कर मुझे से कितनी छल्लियां खाएगा यार? एक ही बहुत है अभी। मोहसिन तो अकेले खाएगा, इसको देख नहीं मैं खाएगा, मैं तुझे खिला ही नहीं रहा। व्यूअर्स को शर्त पता है भाई, व्यूअर्स सीन ये था, लगा इनको बताऊं, सीन ये था जो ज्यादा गालियां देगा वो ये खिलाएगा। बाबा जीत गया, बूबू व्लॉग में सबसे ज्यादा गालियां दी है और ये खिला रहा है, हाल देख लो आप। कंटेंडर नंबर 2 इसका भी शेयर है, इसका शेयर है, इसको नहीं मिल रहा, जाते जाते ले लिया इसका शेयर है, उड़ाया और ले लिया। स्लाइडिंग काफी देर से हो रही है तो हमने पहले कुछ खा पी लेते हैं, तो मुझे लगता है 1.5 घंटे तक खुलेगा नहीं, तो हमने बोला बैठ के छलियाँ खाते हैं, टाइम गुजार लेते हैं, कुछ ना कुछ गुजर जाएगा। असल में ये जगह है ना, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती भी रहती है, उसके अलावा ये ऊपर से भी बड़े पत्थर जो गिरने वाले होते हैं उनको जान के गिराते हैं ताकि रास्ता ना क्लियर रहे, 1/2 घंटा गिराते हैं, उसके बाद 1/2 घंटा उनको दरख्तों से वो रोड से हटाने बढ़ाने में भी टाइम लगता है, तो ये रोज का मामूल है यहाँ पे। अभी
अभी हमारा तकरीबन 9 से 10 घंटे का सफर रहता है यहाँ पे। चलिए खाते खाते वो भी गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। यार पहाड़ देख देख के मतलब तबीयत खराब हो गया, मैंने कहा यार नहीं। रास्ता बस खुलने लगा है क्योंकि जो पत्थर वत्थर थे हटाने लग गए हैं, अब एक गाड़ियाँ या मूव होना शुरू हो जाएंगी अभी, खासे खुलने लगा है। तो भाई हम यहाँ से जाने लगे हैं, सुन आवाज़ आ रही है कि भाई रास्ता खुल गया, चलो भाई आ जाओ।